प्रसाद यादव की एक झलक पाने का लोग कल से ही कर रहे इंतजार। अभी से कुछ देर बाद युवा दिलों की धड़कन तेजस्वी प्रसाद यादव पहुंचने वाले हैं, जिसके लिए तैयारी भी पूरी हो चुकी है। खासकर बात करें जो कल हमने दिखाया था, आज वह काम पूरा हो चुका है और जो काम नहीं हुआ उसको भी तुरंत पूरा करने की जद्दोजहद में कार्यकर्ता लगे हैं। इसी मौके पर हमने लोगों से बात की तो लोगों ने कहा 17 महीने में तेजस्वी यादव ने वह कर दिखाया है जिसकी अपेक्षा किसी ने नहीं की थी। 5 लाख लोगों को नौकरी दिया है और यदि हम सब उन्हें चुनेंगे तो आने वाले समय में 15 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी मिलेगी। और क्या कहा है वह भी खुद भी सुनिए। खुशी छे कि जे तेजस्वी यादव आज दरभंगा आबि रहल छे। हम कलकत्ता से सुबह उतरलिए हन तेजस्वी यादव के देखे के लिए। युवा के मतलब प्रति इनका ज्यादा ध्यान रहे छे, नहीं वो सब गलत छे। मतलब भाजपा वाला एकदम बहुत अफवाह उड़वे छे से बात। मतलब 17 महीना के जे तेजस्वी यादव के जे कार्यकाल रहल है, 17 महीना में बढ़िया मतलब रोजगार दल के हन मतलब तेजस्वी यादव कितना कारगर बहुत बढ़िया रहले। की लगा है आई बेर अहाँ सब मुख्यमंत्री ओकरा बना पावे 100% मतलब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते। की नाम भेल? चंद्रकिशोर यादव। लोग से की अपील करबे? जे मतलब तेजस्वी यादव के मतलब सपोर्ट कैल जाए। तो इसलिए खुशी है क्योंकि वो जवानों के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक है और उनको 17 महीना मिला तो इतना अच्छा कार्यकाल किया। यदि उसको अगर 5 साल दिया जाए तो उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा कार्यकाल करेंगे। इसलिए कि देखा जाए तो 40 साल 45 साल हो जाते एज उनका एक्सपायर हो जाता बिना जॉब किए हुए। कितनी बड़ी शर्म की बात है इस देश में कि बिना जॉब के उनका एक्सपायरी डेट हो जाता है, लेकिन क्या किया जाए कि उनको जॉब सही टाइम पर उसको मिल नहीं पाता। और यही रहेगा उम्मीद मुझे कि हमारे जो भी है इनके सपोर्ट करने वाले तेजस्वी यादव को उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके उनको सपोर्ट करके अच्छे से कामयाब करके उनको मुख्यमंत्री जरूर बनाए। और हमें हौसला बहुत ज़्यादा बुलंद है। यदि हौसला बुलंद नहीं रहता तो मैं घर छोड़ करके मैं अपना त्यौहार छोड़ करके यहाँ तक नहीं पहुँचता। उनके प्रति बहुत ज़्यादा मोहब्बत है इसलिए मैं अपने एक दिन का पढ़ाई को भी लॉस करके यहाँ उनको देखने के लिए आया हूँ। जी जरूर बनेगा। गॉड से प्रार्थना कि जरूर इनको और कुदरती जो गॉड का ताकत है वो भी मिलेगा और जनता का भी सपोर्ट मिलेगा। देखते रहिएगा क्योंकि जनता इस बार जागरूक हो चुका है ना। अगर बेरोजगारी के मुद्दा को ही नहीं हटाइएगा तो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है वही, क्योंकि पेट नहीं भरेगा तो कोई भी चीज़ याद नहीं आएगा। पेट भरेगा तो सब चीज़ याद आएगा, क्योंकि पहले पेट पूजा तब खेत पूजा। पहले खेत नहीं पूजा होता, पहले पेट पूजा तब खेत पूजा। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले आप खान पीन कीजिएगा तब मंदिर मस्जिद। पहले मंदिर मस्जिद नज़र थोड़े तो ना आता, क्योंकि अगर मंदिर मस्जिद आप नजर आएगा तो खान पीन वहाँ तो मिलेगा नहीं सही समय पे। आपको रोजगार से मिलेगा खान पीन सही समय पे। क्या वो प्रदूषण टाइप पे अफवाह उड़ा रहे हैं, जैसे प्रदूषण नहीं फैल जाता वायरस उस तरह से वो हिंदू मुस्लिम जाति धर्म पे विवाद करवा के विवादी भाषण दिलवा करके अफवाह उड़ा करके लोगों में आपस में भाईचारा को मिटा करके पुराने समय के रीति रिवाज रहन सहन को मिटा करके और इस कल्चरल को पूरी तरह से कल्चरल को बर्बाद कर दिया है। और जिस तरह से जनता को आपस में दंगा फसाद हर जगह हर जिला में देखेगा, कभी मुस्लिम के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी देखेगा आप पासवान के नाम पे, राम के नाम पे, यादव के नाम पे वोट ले लेते और उसके बाद आपस में फिर लड़ाने का काम करते। वो ये नहीं सोचते कि ये आपस में हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी से बने हैं, पले हैं, बढ़े हैं। साथ ही साथ ये पूर्वज जो इनके रहे होंगे वो देश के लिए सब लड़े होंगे। ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लड़े हैं, यादव लड़े हैं, है ना, ब्राह्मण लड़े हैं, राजपूत लड़े हैं, सब मिल करके न लड़े हैं भाई। तो सबके लिए आपका अच्छा प्रति सोच होनी चाहिए, बट ऐसा सोच नहीं है एनडीए में भाजपा में। इसलिए इनको भाजपा मुक्त बनाना, हमारे भारत को और तेजस्वी यादव को अच्छे से सरकार बनाना। जाले ब्लॉक हो गया, मस्सा घर हो गया और डिस्ट्रिक्ट अपना दरभंगा पड़ता है। मैं खुद का अपने खुशी से तेजस्वी यादव के मोहब्बत में आ जाऊँ क्योंकि देख रहा हूँ, क्योंकि ये छिपी छिपी हुई बात नहीं है, छिपाया हुआ चुराया हुआ, ये खुलेआम है कि रोजगार दिया है भाई। ये कहने वाली बात थोड़े थे ना, झूठा बात थोड़े थे ना, अफवाह थोड़े थे ना। उनके पास रिकॉर्ड है कि दिया है 5 लाख रोजगार, और जब रिकॉर्ड है हम लोग को पता है तो उनके प्रति आवाज़ उठाने की
पूरी हम लोग को जिम्मेदारी होने चाहिए, और मैं खुद का किसी के दबाव में नहीं आया हूँ। अपना पैसा से या कोई नेता? खुद का पैसा से नहीं, कोई सपोर्ट नहीं। स्टूडेंट है, स्टूडेंट को खुद का घर के लोग इतने पैसे देते जितना पर तुम खर्च करो, उससे फाजिल नहीं देते पैसे, तो फिर कैसे कोई नेता हम लोग को नहीं, कोई नहीं सपोर्ट, कोई तरह की रिश्वत ना पैसा से? जी खुद का, मैं अपने पैसा से जो भी था वही पैसा से आया, किसी के दबाव भी छोड़ जी इनके मोहब्बत में। पहले भी उम्मीद लग रहा था और अब तो और ज्यादा उम्मीद है, इसलिए कि 5 लाख वो रोजगार दे चुके, कैसे नहीं भरोसा होगा भाई। नहीं दिए रहता तो भरोसा टूट जाता, बट वो तो दे दिए, इससे ये पता चल रहा कि जब ये 5 लाख दे दिए तो आने वाले समय में 10 लाख क्या है, 15 लाख दे सकता, इसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी, और बेरोजगारी हटाने का एक ही शर्त है, राष्ट्रीय जनता दल राजद यानी तेजस्वी लाल प्रसाद को जिताइए और फुल बहुमत से इस बार आकाश फायरिंग कीजिए, मैं बोल रहा हूँ, ताकि ये अच्छे से सेवा करे सब लोगों का।